आज का व्लॉग जो है वो इतने सारे शोर के साथ शुरू होता है। दिल कर रहा था कि मैं स्वापी को एक सरप्राइज़ दूँ खुद से, तो आज हमने वो देना है बर्थडे के बाद। कि आज हमने स्वापी को एक देना है सरप्राइज़, और हमारे घर आई है देग। एक किस्म का आज फ्राइडे है। हाई क्यों नहीं, क्योंकि हमारे घर गई हुई है लाइट। पीछे यूपीएस बोल भी रहा है और गर्म पानी आ नहीं रहा, तो ठंडे पानी से नहाना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन ठंडे पानी से तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ। तो हमारे घर आई हुई है देग, जिसको भी हमने करना है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब नान के ऊपर लगा के, मतलब सड़क के ऊपर जो भी लोग होते हैं, क्या मैं कहूँ उनको, मतलब वैसे ही बैगर्स और ये जो सड़क के ऊपर जो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नहीं खाना मांगना या इस तरह की चीज़ें जिनको होती हैं, उनको ये सब कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं आज आई थी स्कूल से, और स्कूल से आते ही मेरे सर जो थे वो जल्दी आ गए, आज उनसे वगैरह पढ़ा है, और अब मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। तो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वो अच्छा कितने इतने तेज़ी से चली थी, साथ ही शरीफ बन गई है। पता है मुझे जो आप फुर्सत है पीछे लाइट में जा रही हैं। किससे? लाइट में आई हैं कमरे के अंधेरे से निकल के। मम्मा कहती उठ गई है तो ध्यान खोलते हैं बड़े लेने हम जो जाने लगे हैं। चलो उठ गया बड़ी लो, एक मिनट जब डालने लगे हम आज स्वापी के लिए हमने एक स्पेसिफिक सरप्राइज प्लान किया हुआ है। जब डालने लगे ओहो ओए शदीद किस्म का ठीक है अभी बच्चे हैं। ये है रोमियो, इसने आज खुद ही सुनाई है। नहीं कैमरा ले दो ना उधर, उस स्वापी ने आ जाना है। ये है रोमियो, इसने नहीं है ना ये करनी है। आज मैंने गैराज में जाना है इसलिए मैं इसको नहीं उठा रही अभी वापस करके। अक्षी मामू ये आप क्या बने हुए हैं? वो नहीं आता था खुदार मोहब्बत में सस्ता, वो जो फरीद फरीदा ना वो बने हुए खुदार मोहब्बत में, वो आता था ना एक्टर एक। एक मिनट जी मैं मम्मा को भी दिखा दूंगा जी। मम्मा वेलकम करें अपने लोगों का। मस्ती में मामू आशी अपनी पबजी की मस्ती में नहीं छोड़ लाई है नाली, नाली मगर पाई। पता है अभी आपका लाउड स्पीकर मेरा व्लॉग के पीछे कितना है। जुम्मा पढ़ के आया ना पब्लिक के लिए। आज जुम्मा है सारे नहाए हैं, सिर्फ उसकी नहीं नहाई और अभी तक मैं नहीं नहाई। मम्मा ने नहा लिया फौरन फौरन गर्म पानी से, मेरे लिए पानी भी नहीं छोड़ा है। ये क्या किया ऐसे नाल पे तार खराब हो भाई। ये कितने हैं? 25 और 25 50 है। 25 रोटी का और 25 नान है। हां ये भाई कितनी सर्दी हुई, कितनी सर्दी है आज, लिटरली बहुत ज्यादा सर्दी है आज तो, कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से है ना। ये मेरी देग है जिसमें से मतलब एक आधा बंदा था जिसको हमने पहले दे दी है। ये हमने बर्तन वगैरह रखे हैं तो अभी हम बाहर आते हैं इसी की सर्दी में। दिन में फ्लैश क्यों चलाई? अभी हम फिर बाहर आते हैं बांटने, फिर मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने जाना है बाहर, हो गया अंदर, इसका दिलाना था ख़त्म और मैं ये खा चुकी हूँ ख़त्म से पहले, और किसी एक बंदे को देनी थी मैं वो भी दे चुकी हूँ बगैर पूछे। सीरियसली इतनी ख़राब किस्मत, मतलब ख़त्म दिलाना था और मैं खा गई। मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रही है अब, और अंदर किसी को नहीं पता कि मैंने हलीम खाई है। वो देखो नुक्कड़ से मैंने कहा रोटी खोल गई है, कहना खोल गई है, मैं क्या खोल गई आज बच्चों के साथ पहले चीज़ लगा के मम्मी को बड़ा अच्छा होगा। दो मिनट सीधी लाइन बना के खड़े हो जाओ सारे, सीधी लाइन बना के खड़े। नहीं पक गई है, खुल गई है बस थोड़ी देना। अच्छा खुल गई मम्मी मम्मी गई है बच्चों के साथ शुगर लगा। रोटी खुल गई, एक एक करके ये देखे जी हमने ये शोपर बना लिया सारे, हमारे बंदे कुछ अभी कम रह गया वो लेने के लिए गए हैं सामने ही रखे थे। जैसे खा के खाया मेरे से पूछ लो गंदा देखा जाओ, वही अब्बा सबको खिला रहे हैं, हमने बीच में से निकाल के खा रहे हैं। देख लो रोज असी इंज खाने, आज भी खा रहे हैं। क्या बड़ी बात है सिखा, ये भी 70 ये हो गए हैं तो 50 हमने अंदाजा ही नहीं था कि भी मतलब हलीम इतना ज्यादा हो जाएगा। हमने अपने हिसाब से मैंने 50 नान मंगवाए थे वो लग गए हैं। नहीं भाई नहीं लेने दो ठीक है। ये जी हलीम है, वो कितनी जीप सी है, और ये डब्बे हैं
मैं यहाँ फंस के बैठी हूँ। और पो पो का क्या है, सर्दी के महीने को पो कहते हैं, पो मा फगन, पो मा फग पोगा पोगा पो मा फग पो मा फगन 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 सॉरी सॉरी फगन लफ्ज है पो मा पो मा जो सख्त फगन ये देखो इसको। अब हम लोग आए हैं, मम्मा मुझे ले आई है यार, आज हमारी लाइट ही नहीं आ रही सुबह से, लाइट ही बंद है, पता नहीं क्या बगैर थी, और हमारा यूपीएस भी अब बंद हो गया है। एनी हाउ अब हम लोग शॉपिंग ना उनको निकाल निकाल चौक जाओ, बाकी को भेजो, ये लो आउच, ये पकड़ती जाओ एक बार अपने पास रख लो आगे, फिर देती जाना। गाड़ी हमारी तरह भरी हुई है सफर में, और देखना हम जरा वो इस्लामाबाद के बर्गर, और हमने हलीम पकड़ा दिए। इस्लामाबाद के बर्गर नहीं थे वो इस्लामाबाद से थे, अभी अभी आए हैं लाहौर में, उनकी गाड़ी आपको दिखाते हैं। दिखाई कहती है बस मम्मा आपने मुझे बाहर लेके जाना था, मम्मा आपने मुझे बाहर लेके जाना था 2 घंटे के नहीं लेके जाना था, लेके गई नहीं गई हूँ। कितना गाना, ये मेरे पास है बिलून और ये भरवाने हैं, उसको आपने पूछा कि ये क्यों भरवाने हैं, तो ये क्यों भरवाने हैं मीरब, क्यों भरवाने हैं ये, इसलिए भरवाने हैं कि भी हमने सदका देना है बिलून का। क्यों बिलून का सदका जो होता है ना, बिलून गैस के भरवा के ना हवा में उड़ाने से घर से बुलाई जाती है, तो जब हाँ तो जब मैं ये उड़ गई, हाँ देखा मान गई ना खुद बुलाए नहीं, तो जब हम ये गैस के भरवा के छत पे जाके छोड़ेंगे ना, तो उस वापी उड़ जाएंगे। जाओ देखो उड़ी। जाओ उस वापी आती ही मम्मा के अंडे पे बैठ गई, उस वापी मेरे अंडे पे बैठ गई, अंडे पे क्या हुआ है, दे 500 रुपया उसको। आप अंडे पे क्यों बैठी, अंडा छोड़ी है और ये मैं अंडा छेड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्म है। स्वापी दोबारा करी मेरा गैस, हाँ सुन रही हूँ, अजीब ही अपने जैसे अजीबो गरीब गाने चलाए हुए हैं, मम्मा को भी पता हो, मम्मा को नहीं पसंद, और मुझे इस वक्त बहुत जहर लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरे सर में बड़ी दर्द हो रहा है। आप ही ने अभी नीच हरकत की है, क्या किया मम्मा, घटिया क्या किया उस वापी आपने, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मम्मा घर में मैंने कभी नहीं किया ऐसे, डाले मैं कहती तुम स्कूल से गाना सुनो, कभी भी नहीं। अच्छा उस वापी कहती कहती गाना सुने गाना, अम्मा कहती आइए जी गाइस गाना सुने, सब आ जाए मम्मा, कितने फॉलोवर है तुम्हारे बताना जरा, 3.0 मिलियन फॉलोवर, सब आ जाए आ जाए आ जाए गाना सुने आके, उस वक्त दोबारा कर दोबारा कर मामा जी मैंने कहा लिरिक्स पे गौर करें, पैसे वापस, हाँ तो मैं कह रही हूँ ना कि उस हमने 9th में यही तो पेपर देना, कोई बात नहीं मेरे भी इसको सुनने दो, सुनो 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 जी सुनो, आओ आओ सब आओ सब आओ सब आजो आजो, वेलकम सबका। अम्मा कहती सुतिया जी हम उठ गई है बले भड़ी लो खोलते रहे बर्बादी फेर नाश्ते चल मेरी घर की कोई शहर सही रहे।
मैं मेकअप कर रही हूं, मुझे इतना खास ये बड़ी लट गई है हूं चांद ने मेरे कान में कुछ सुना दादी तोड़ दा सारा कुछ इसके बच्चों ने सारी चुका के खा ली अभी गाना बंद कर मुंह से टेप पर सुनो 30 एंड ड्रैग एक मिनट ये बलून्स आ गए हैं और मैं आप लोगों को धागे धागे में नजर आ रही हूं क्योंकि ये बलून्स में नजर आ रही हूं ये हमारे पूरे पीछे सॉरी पूरे हिस्से में कवर हो गए हैं और मैं अब निकलूंगा ये देखिए सदका देने कहा था है मैंने बुलाए टलेंगी ये चेक करें जरा रुको इस पे करती हूं भर गई ये मैंने पकड़े में मिक्स ना हो जाए वो मिक्स फिर भी हो गए देखो गुंजर पड़ गई ना अभी घर जाके हमने इनको बांध दिया रिबन मेरे रिबन बांध के तो फिर इनको हमने रूम में डेकोरेट किया आई होप कि जो बाकी की डेकोरेशन है वो ओके होगी फिर उस हिसाब से देखेंगे तैयार कर दिया हाँ बाल दिखाई पीछे से ये वाओ मीरब दी प्रोफेशनल ओ बजी मजा आया अभी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती हूँ पीछे पीछे आई क्यों मामू का मूड शुरू से ही खराब होता है ये बलून्स रह गए हैं और ये अभी कुछ को ऐसे भी छोड़ दे कि सब में पीछे लगानी है छोड़ दे कुछ को ऐसे ये जो नहीं हो रहा ना इसको जो नहीं हो रहा उसको ऐसे वो कितना ज्यादा हो गया उसका ये पिक्चर्स हैं मैंने पहले दिखाई थी चलो अब ये फिर कंप्लीट करती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ जी ये देखिए हमने इस तरह से कुछ डेकोर कर लिया है उसका रूम ये बैलून इस तरह से हमने आगे नीचे पिक्चर्स लगाई हैं अभी हो रहे हैं बैलून ये ऐसे लगाए हैं इधर और ये मेरा उसके लिए स्टिकी नोट ये हमने यहाँ पे नोट लिख के इधर लगाए हैं और ये मैंने लगाया सारा उसके लिए लिख है ये देखे कैसा लग रहा है गाइस ये हमारी सेटिंग हो चुकी है सारी ये ऊपर सारे वो बलून्स हैं और ये नीचे पिक्चर्स हैं किसी किसी के पिक्चर्स हैं किसी किसी के नहीं हैं मतलब ये तो बुगलोल है इसने इतने लंबे लंबे वही मैं देख पिक्चर्स नहीं ना हमने की हुई वो ऐसे ही छोड़े हुए ये भी टेबल बेडशीट सेट करो ये फैरी लाइट्स हैं और ये पिक्चर्स हैं सारी मेरी और उस आपकी भी वॉशरूम के दरवाजे पे भी मामी ने काय लगानी है क्योंकि वो मेरी और आपकी की फेवरेट जगह है ये भी मैंने वैसे कहा था कि इन पिक्चर्स के साथ मैं उस वापी का वैसे रूम सजाऊंगी और मैंने सजाया है और ये स्टिकी नोट्स हैं जिन पे कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि मैं हमेशा से आपी को कहना चाहती हूँ अगर आप स्टॉप करके पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लें बस कोई बात नहीं है चलें ये देखें जी ये मेरा नोट वो बलून फुलाई ये देखें बाकी हमारा सब कंप्लीट हो गया ये बिलावल साहब अपना काम करना शुरू हो गया ये देखें चपड़ासी क्या है अब ऑलमोस्ट ये हो चुका है यह कितना प्यारा लग रहा है अगर मैं यहाँ रख के दिखाऊँ तो ये चेक करें गाइस और अब मैं कैमरा जो है वो यहाँ सेट करके जाऊंगी मामी यहाँ से यहाँ रख के जाऊंगी मैं कैमरा चला के क्योंकि वहां से उस वापी ने आना है इसके ऊपर ट्राइपॉड के ऊपर जल्दी करो तुम ये है जी आज का जो हमने डेकोरेशन की है इसकी फाइनल वो साथ साथ मैं इसलिए दिखा सकी एक तो मामी थी ऊपर से वो फेस हाइड करना बहुत मुश्किल होता है ये देखिए और इन सब पिक्चर्स में ये देखे पुरानी पुरानी में छोटी सी सॉरी इन सब पिक्चर्स में हमारी वो यादें हैं वो यादें हैं हमारी बातें हैं ऐसा टाइम है जो हमने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है एंड एक्चुअली ये चेक करना ज़रा एक्चुअली दीज पिक्चर्स आर लिटरली सो स्पेशल टू मी एंड नॉट दिस पिक्चर्स द पीपल्स इन दिस पिक्चर्स आर ऑल्सो सो स्पेशल टू मी इस तस्वीर में एक ही इंसान है और वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है उससे मुझे बहुत प्यार है एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं उनके लिए इतनी एफर्ट्स करके ये सब कुछ करती हूँ मतलब मेरा एक थीम होता है कि बस मैं उनको खुश करूँ मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ हमेशा
इसलिए हमेशा हर मोड़ पे, हर टाइम पे हम एक दूसरे के साथ है, और हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने भी हमें कभी अलग नहीं किया। एंड आई नो दैट कि वो आज ये सब कुछ देख के बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। हद है, बलून में हवाई कम हुई जा रही है। ये चेक कर, ये नीचे तैर रहा है। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत खुश होंगी, शी विल बी हैप्पी। और इन सब में अकेली मेरी एफर्ट्स नहीं है, इन सब में मामी का प्यार, बिलावल की जद्दोजहद भी है। बट पर्सनली दिस ऑल द थिंग इज़, ये जो सब कुछ है ये उस वापी की फैमिली की तरफ से, और उस वापी की फैमिली में इंक्लूडेड बंदे वो जानती हैं कौन कौन है, और ये सब कुछ उनकी वजह से। और इस सब में मामी ने भी मेरी बहुत मेहनत करवाई है, अगर मैं अकेली होती तो शायद ये सब कुछ मैं ना कर सकती। ये मामी ने लिखा है, आई होप कि अगर मैं कभी भी अकेली होती तो मैं ये सब कुछ ना कर सकती, बिलावल भी ना होता था, इनफैक्ट मामी ना होती। रीज़न इज़ दैट कि मैं शुरू से करना चाहती थी, लेकिन शुरू से मम्मा ने मुझे कभी परमिशन नहीं दी। वो कहती थी अभी तुम छोटी हो, छोटी हो। अब ये एक टाइम है कि अभी भी वो कहती हैं कि तुम छोटी हो, बट मामी कहती हैं कि नहीं, वो उसकी बहन है, उसको करने दे, लाइक दिस। बट मामी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, एंड आई एम ग्लैड टू हैव मामी इन माई लाइफ ऑल्सो। मुझे मामी से भी बहुत प्यार है, लेकिन बहनें तो बहनें होती हैं ना, हमने मामी को भी हमेशा बहन समझी है। मामी एक्चुअली ये सब कुछ मैं आज बता दूँ तो ये मामी की वजह से है। करना ये सब कुछ मैं शुरू से चाहती थी, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं मुझे सपोर्ट करने वाला कि हाँ तुम करो हम साथ हैं, तुम करो हम साथ हैं। मुझे कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं। तो अब मामी हैं, वो कहती हैं हाँ तुम करो, मैं आप ही से बात करती हूँ, मैं उससे ये करती हूँ, मैं कहती हूँ वो तुम्हें ला दे, मैं कहती हूँ वो तुम्हें कर दे। दैट उस आप ही आ गई हैं। अब मैं यहाँ पहले कैमरा सेट कर रही हूँ। तो गाइस उस आप ही आ चुकी हैं, और मेरा फोन क्यों टूट रहा है? यस, तो उस आप ही आ चुकी हैं, और अब हम जा रहे हैं बाहर। ये ग्लिटर वाले बलून जो मैं बाहर लेके जा रही हूँ, ओके, उस आप ही आएंगी तो उनका रिएक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ आ रहा है, मैं एक बार फिर देखूँ। ये था उस वापी का सरप्राइज, ये काय है दूश, थोड़ा सा पीछे होके आना जरा, चादर लपेट लिया आज आ रही हूँ। आह मानने लगे हैं वो अपना बनैन नजर आ रही है आपके आगे से। ओए होए होए अखीर होगी, अखीर होगी। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती बच्चियाँ की मामू की शादी हो गई है, ये आपकी फोटो खींच रही है। हाँ जी देखिए जी, किसका पिज्जा ये? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का पिज्जा है ये, कबाब पिज्जा जी। ये हमने उस वक्त बर्थडे के लिए स्पेशल मंगवाया जी। ठीक है जी, दो लार्ज पिज्जे मंगवाए, दोनों सेम है शायद? हाँ दोनों सेम जी। नहीं जी अलग अलग है, अलग अलग फ्लेवर है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब हम पिज्जा शीजा खा के फिर केक काटते हैं और फिर बाकी का दिखाते हैं। मुझे याद आया
के कुछ नहीं खाया हम लेयर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बनाती थी लेयर के चक्कर में वो तो आशी मामू की वजह से मूड ऑफ वगैरह जाते वगैरह मेरा भी मम्मा ने मेरा कर दिया मेरा मम्मा आशी क्या है मैंने जाना है तो मैंने कहा तू आशी मंगाई जा मेनू ला दे कहती नहीं हम मम्मा आप ही चलो आपके साथ मैं कहा कुछ नहीं होता कहती अच्छा घर से लेके गई थी मम्मा कह के कि मैं उस वक्त को चाय दोस्ती पे खाना खिलाऊंगी और किसी अच्छी जगह से नहीं खिला दूंगी खिला दूंगी पता नहीं कहाँ से खाना खिलाऊंगी मैं खिला मेरा मूड इतना खराब हुआ मेरा दिल नहीं है अच्छा मामा पूरा हफ्ता अगले दिन लारा लाई जाएगी फिर अच्छा चलो ये छोड़ दो वो खाते इनका वो खाना सही नहीं होता आगे अगले हफ्ते सही बाल कर्ज कराती हुई इतनी वो हो रही थी कि मैं चाय दोस्ती ये करके आऊंगी वो करके आऊंगी सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू माय फैमिली बहुत कुछ किया अभी एनोनिमस बंदे हैं वो हम आपके सामने नहीं ला सकते हैं सीन ये नहीं एनोनिमस कुछ बंदे वो हम सामने नहीं ला सकते फिलहाल ये है एक मिनट ही यार वाले लड़ाई आए थे एक मिनट अच्छा, सीन ये है इनकी लड़ाई थी मैं आपको बता करा रही हूँ आप उस वक्त ये बहुत सारे लोग अभी ये सोचेंगे ये बर्थडे बर्थडे गुंडे गुंडे लगते हैं पहले पोंख लो चेक करना जरा मैल नजर आई उसकी हर चीज टूट गई उसका तसल्लुल अच्छा अच्छा अभी बोले तसल्लुल जी जी आप तसल्लुल भी मेरा तसल्लुल टूट गया गाइस जी जी आप अब बात ये कि जैसे आज मौसम कैसा था पूरे तरीके से तसल्लुल आज मम्मा मौसम कैसा था पॉम का जबरदस्त नहीं पॉम का मौसम है जो आप गाड़ी में समझा रही थी चीन पे लगा दो इरफान मामू लगी है करते इधर तो कर मामा चल आते है कि ये जो है एक हमारा काम था जो फंसा हुआ था सी सेरेमनी मैं बताती हूँ पिछले साल से एक छोटा सा काम था वो फंसा हुआ था मेरा काम था छोटा सा तो वो अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी सी उसमें लेट कुछ दुश्वारियाँ हो रही थी काफी ऐसी चीजें थी जो कि बीच में हर्डल्स थे ट्रबल्स थे बहुत कुछ हुआ था तो उसके लिए मैं कभी इधर कभी उधर और कह लो कि इसी चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी थी बट अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं आपकी चीज राइट टाइम पे आती है आपके एनी हाउ जैसे 2020 एंड हुआ था मुझे पता था कि 2024 जो है वो मेरे हाथ में होगा मेरे लिए अच्छा होगा जब 2024 हुआ तो उसकी तकरीबन 5-6 डेट को वो जो था मेरा काम हो गया था और ये काम पिछले साल से हो रहा था आई थिंक जून से जून था मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत दे दी थी जब इनपुट इतनी दी थी आउटपुट मुझे ज़ीरो मिल रही थी तो ये सीन था कि मुझे बहुत दुख था खैर ये वो था कि काम हो गया उसमें मैंने सोचा था कि हम लोगों का जब काम हो जाएगा तो नीडी जो लोग होते हैं जो पुअर जो नहीं अफोर्ड कर सकते पुअर नहीं नीडी लोग जो होते हैं या वैसे अपनी खुशी से मैं कोई चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगी लेकिन ये सब कुछ मेरा आइडिया नहीं था जो मैंने कहा था वो डिस्ट्रीब्यूशन थी राइस की या मतलब वो हमने 100 प्लस लोगों को आज कंप्लीट कर दिया वो एक था मेरा 100 से ज्यादा हो गया 100 प्लस था वो अब खैर वो तो लेकिन ये जो था ये सरप्राइज था मेरी फैमिली की तरफ से स्पेशल लोगों की तरफ से सो थैंक यू सो मच ये बात है आप लोग प्लीज़ किसी और चीज़ में ना हो जाइएगा क्योंकि मैंने अभी इतना सा एक स्नैपचैट पे वो लगाया और मुझे लोग कह रहे हैं आपकी बात पक्की हो गई है तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट ना बात पक्की है अगर मेरी बात पक्की होगी तो मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी हो गई है पक्की नहीं होगी कच्ची हो गई ना ऐसा रिजेक्ट हो गई है हाँ गाइस आए थे मुझे रिजेक्ट करके चले उन्होंने कहा ये तो सोती रहती है उठो गाइस आप देख सकते हैं मेरी बहन को उधर आई है अच्छा
अपनी बहन करते हैं, मैंने अपनी बहन की बलून के साथ की है बर्बादी। इनको डर लगता है लेकिन फिर भी इनका रूम इस वक्त बलून बलून से भरा हुआ है, लेकिन इनको डर लगता है। यहाँ इनकी टिकटॉक के नहीं मुकरी ना, उस वापी ने खुद मुकना इनसे, ठीक है। प्यार किया, इतना प्यार किया, और असल में मेरी कुत्ते वाली करती है।